अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन अगर कोई सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता, अल्लाह का हुक्म जानता है, उसको कहा जाए आओ नमाज को, तो वो आगे से मजाक नहीं करता या नमाज का तमस्खुर या इस्तेहकार नहीं करता, बल्कि बस अपनी सुस्ती की वजह से मस्जिद में नहीं आता। जो नमाज को हल्का जाने खफीफ जाने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है। लेकिन जो शख्स उसको अल्लाह का हुक्म जानता है और उसको पढ़ना अपने ऊपर ज़रूरी समझता है लेकिन सुस्ती की वजह से पढ़ नहीं सकता, तो उसके बारे में उलमा की आरा मुख्तलिफ हैं। हज़रत इमाम इसहाक और हज़रत इमाम अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप तो फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है और उसको कत्ल करना वाजिब है। हज़रत इमाम मालिक का कौल है कि, और इमाम शाफी का भी यही कौल है, वो भी कहते हैं कि उसको कत्ल किया जाएगा और बतौर हद कत्ल किया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैह रहमा, आप फरमाते हैं कि बेनमाजी को कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर ताज़ीर नाफिज़ हो, ये हाकम वक्त की सवाबदीद पर है कि वो उस पर क्या सज़ा देता है, और फरमाया उसको साथ कैद किया जाएगा और तौबा के लिए उसको जोर दिया जाएगा, अगर वो तौबा कर ले तो उसको कैद से बाहर निकाल लिया जाएगा वरना उसको कैद रखा जाए। सहाबा कहते हैं कि हम किसी अमल के तारक को काफिर नहीं समझते थे सवाए नमाज के तारक के, और आका करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, मन तारक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने एलानिया कुफर किया। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैह रहमा वो फरमाते हैं कि ये हदीस महल्ले तरहीब में है, गोया उसने काफिरों वाला काम किया, इसलिए आप ये फतवा देते हैं कि उसको कैद किया जाएगा और नमाज की पाबंदी का जोर दिया जाएगा और वो तौबा करे तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाकी आइमा बास कहते हैं उसको हद्दन कत्ल किया जाए, और इमाम इसहाक और इमाम अहमद कहते हैं उसको कत्ल करना वाजिब है। तो बेनमाजी जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सुस्ती की वजह से नहीं करता, ये उसके लिए हुक्म है। जो शख्स तहकीर करता है नमाज की, हल्का जानता है, तमस्कर उड़ाता है या उसका इनकार करता है, तो उसके बारे में उलमा के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, वो आइमा अरबा के नज़दीक काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। लेकिन सुस्ती की वजह से नमाज ना पढ़ने वाला, उसके बारे में उलमा का ये मौकफ है। हज़रत गौस आज़म अश्शेख सैयद अब्दुल कादर जीलानी अलैह रहमा, आप फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। हज़रत सुल्तान बाहू अलैह रहमा, आपका कौल है कि बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज न दो, जो अल्लाह का कर्जा अदा नहीं करता तुम्हारा कर्ज कैसे लुटाएगा। अब आइए हम हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन देखते हैं। इस हवाले से हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत, जिसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया, इमाम निसाई ने रिवायत किया, दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायत किया। आका करीम ने इरशाद फरमाया बैनल रजुले व बैनल कुफरे तर्कुस सलात, आदमी और कुफर के दरमियान तर्क सलात है, यदि बंदाए मोमिन और बंदाए काफिर के दरमियान तर्क सलात है, जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है और जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिरों वाला काम करता है, या दीगर इमा के नजदीक वो काफिर है, ये तरहीबन नहीं बल्कि ये हुक्म है। और हजरत
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، اس کو طبرانی نے اپنی موجب میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاته ولا صلاۃ لمن لا وضوء له، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہورا له ولا دین لمن لا صلاۃ له، حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کافر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر اب معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ العصر فقد حابت اعماله، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر، فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے، ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی حصول برکت کے لیے، یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے،
حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی. کہتے ہیں قالا, حضور نے مجھے کہا, ارشاد کیا, لا تشرک باللہ شیئن وان قتلتا وحرقتا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی, ولا تعصِ والدیکا وان امراکا ان تخرج من اہلکا ومالکا, کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا, تو کہا یہ کر لینا, نکل جانا, لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. فرمایا, اے معاذ بن جبل, فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا, زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے, اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا, اب وہ جدھر مرضی جائے, اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے. چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی, ولا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشة, اے معاذ بن جبل, زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا, ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب. پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَعْصِيَةِ هَلَّا سَخَطُ اللَّهِ, کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی, وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ, کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا, اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں, سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو, لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ, اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے موت والی, تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ, وہیں رہنا, تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا, اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا, اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا, وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا. آٹھویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی, وانفق علی اہلک من طولک, کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے, تجھے جو مال دیا ہے, اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا, اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا, اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے. اور حضور نے نویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, ولا ترفع عنہم اساکا ادبا, اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا, اسا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا, کوڑا باندھ کے رکھنا. اور دسویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی, واخفہم فی اللہ, اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا, اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر. تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پہنچایا, بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی, لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا. اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو, ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو. اگر تو نے سب کچھ دے دیا, عالی نصب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو, تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو, دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا, تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو, اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. تو حضور نے جو دسویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی
वो ये है कि उन्हें अल्लाह से डराते रहना, अल्लाह ताला का खौफ, उनकी खशियत उनके सीने में पैदा करना। अल्लाह अकबर। हुजूर का एक और फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स नमाज छोड़ता है, एक तवील हदीस है जिसका यह हिस्सा है, वकान यौमल कयामत मा कारूना व फिरऔना व हामाना व उबै इब्न खलफ, जो नमाज तर्क करता है कयामत के दिन कारून के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ और उबै इब्न खलफ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, जिस सफ में अल्लाह के दुश्मन खड़े हुए होंगे, बेनवाजी को भी उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। कितनी रुसवाई है, कितनी जिल्लत है। कोई बंदा ये गुवारा करता है कि मुझे उस सफ में खड़ा कर दिया जाए जिसमें दुश्मनाने खुदा खड़े हो, दुश्मनाने रसूल खड़े हो, मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी, क्या ये गवारा कर सकती है कि उसको हुजूर पे कांटे फेंकने वाली उम्मे जमील के साथ खड़ा कर दिया जाए, उसको हुजूर को अजियत देने वाली औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए? ना मेरी कोई बहन और ना कोई मेरी मां इस बात को गवारा करती। तो जब हम ये गवारा नहीं करते तो फिर हमें अजम करना चाहिए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी। मैंने किसी जगह पे ये बात बयान की और सारी गुफ्तगू इसी उनवान से हुई, कुछ माहौल ऐसा बना हुआ था। तो मुझे बाद में साबिर नामी वहां के एक साथी ने फोन किया दो या तीन दिन के बाद, कहने लगा कि हमारी बस्ती में एक शख्स भी बेनमाजी नहीं रहा है। इस हदीस का जोर इतना है, इस हदीस का वजन इतना है। तो कोई शख्स ये गवारा करता है कि मुझे दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर दिया जाए, जिन दुश्मनों के चेहरों पे तारकूल मली हुई होगी और उन पर लानतें बरस रही होंगी और दुनिया के ऊपर सबसे रुसवाई ज्यादा इन लोगों को होगी, तो कोई शख्स भी ये गवारा नहीं करता। हम तो उनके साए से भी बचना चाहते हैं। मेरे मालिक, हमारा हशर इनके साथ ना करना, हमारा हशर तो अबू बकर उमर के साथ करना, हमारा हशर तो उस्मान गनी के साथ कर देना, हमारा हशर तो मौला कायनात के साथ कर देना, मालिक हमारा हशर बरेली के इमाम अहमद रजा के साथ कर देना, हमारा हशर इमाम गजाली के साथ कर देना, बिलाल हबशी के साथ कर देना। हमारी आरजुएं तो ये हैं, हमारी तमन्नाएं तो ये हैं। हम तो कहते हैं मौला कल कयामत के दिन उठे तो दाता के कदमों में उठे, ख्वाजा अजमेरी की चौखट से उठे, हम उठे तो शाह नक्शबंद बुखारी का जुलूस आगे हो, हम उस जुलूस के साथ शामिल हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गुलामी में उठे, हम हजरत गौसे आजम की नौकरी में उठे, हजरत शेख शहाबुद्दीन की नौकरी में उठे। तो हमारी आरजुएं तो ये हैं, हमारी तमन्नाएं तो ये हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन लोगों के साथ उठें तो फिर एक नमाज भी तर्क नहीं करना होगा। और अगर नमाज तर्क हो गई तो कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी रुसवाई है, कितनी बड़ी जिल्लत है। और ये आपके रसूल का फरमान है, अल्लाह अकबर, कि कयामत के दिन वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन उसको दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि हमने ये हदीस सुन ली और अब नमाज कसरत छोड़ें। आज अजम करके उठें, और औलाद नहीं आई, बेटियां नहीं आई, घर वाले नहीं आए, लेकिन जाके इस बात को घर में नाफिज करना है, इसको हुक्मन नाफिज करना है। घर के अंदर हमारा घर हो रसूलुल्लाह की उम्मती का और घर में कोई बेनमाज हो, ये हुक्म देना है। वामुर अहला का बिस्सलाह, फरमाया अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। उस घर में नहुसत होती है जिस घर में बेनमाजी होते हैं। इसलिए आज हम यहां से अज़्म करके जाना है कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इतने जोर से कहो कि शैतान का कलेजा फट जाए। अल्लाह हमारी इस इंशाअल्लाह को कबूल करे, कबूल करे। अल्लाह हमको पंजगाना सजदे की तौफीक दे। कितना बदनसीब है शख्स कि जिसकी पेशानी उसकी हुजूर झुकती नहीं है, सारा दिन कभी किसी को सैल्यूट करता है, कभी किसी को सैल्यूट करता है, कहता मेरे इससे भी ताल्लुक होने चाहिए, इससे भी वास्ता होना चाहिए, इससे भी राबता होना चाहिए, कभी दुनिया में काम पड़ जाता है इससे भी ताल्लुक रहना चाहिए मेरा। कहां कहां सुबह से लेकर शाम तक सलूट मारता है, एक अल्लाह के हुजूर नहीं झुका जाता। इकबाल अलैह रहमा कहते हैं, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से आदमी को देता है नजात।
आओ अल्लाह के हुजूर बंदगी का सर झुकाएं। तो ये कितनी इबरतनाक जो है और किस कदर जो है वो फिक्र अंगेज हदीस है। वकान यौम अल कयामत मा कारूना व फिरौना व हामाना व उबै इब्न अबी खल्फ, वो शख्स इन बदनसीब लोगों के साथ खड़ा होगा जिसको नमाज की तौफीक नहीं है। आपने हदीस उलमा से बारहा सुनी, हदीस तदील है, आका करीम मेराज की रात गए तो वहां मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अजाबों में मुबतला देखा। किसी की अंतड़ियां कट कट के गिर रही थी, किसी का मुंह चीरा जा रहा था, किसी की जुबान लोहे की कैंचियों से काटी जा रही थी, किसी पर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा था, कोई जो है वो सरांड वाला गोश्त खा रहा था, किसी के जिस्म में लोहे की मेखें ठोंकी जा रही थी। लेकिन एक कौम को हुजूर ने देखा, एक भारी पत्थर से उनका सर कुचला जाता है और पत्थर के वापस आने तक दोबारा सही हो जाता है, फिर कुचला जाता है। हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं, या जिब्रीलो मन हाउलाए, ये लोग कौन है कि इनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। काला हाउलाए लजीना तसाकलत रऊसुहुम अनिस सलातिल मक्तूबा, कहा ये वो बदनसीब लोग हैं कि फर्ज नमाजों से जिनके सर बोझल रहते थे, नमाज पंजगाना फर्ज भी नहीं पढ़ा करते थे, ये वो बदनसीब हैं, आज इनके सर कूटे जा रहे हैं। ये थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी, 60-70 साल बड़ी जिंदगी हो वो मगर नसीब हो जाए तो पता नहीं है कि कल हमारा आने वाला कहां है। कितना गाफिल और बदनसीब है वो शख्स कि जिसको सजदा नसीब नहीं है। सजदा तो बंदगी का नाम है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदा तो है ही बंदगी में, किसी शख्स ने रास्ते में जाते जाते चाय की प्याली पिला दी हो ना बाजार में, तो हम जब भी उस गली से गुजरते हैं उसको सलूट करके जाते हैं, सलाम अलैकुम यार, इससे बड़े सलाम लेते हो, ये बड़ा मोहब्बत वाला, बड़े अखलाक वाला है यार, जिसने चाय की प्याली पिला दी एक मरतबा उसको तो जाते आते सलाम करके जाते हो। जिस रब ने जिंदगी बख्शी है, जिस रब ने जो है वो सारी बहारें अता की हैं, उसके हुजूर में झुका जाता, कितना मुतकब्बिर शख्स है जो अल्लाह के हुजूर में झुकता। अल्लाह अकबर, कहा ये वो बदनसीब लोग हैं फर्ज नमाजों से जिनके सर बोझल रहा करते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज छोड़ना तो खैर बहुत बुरी बात है, जो शख्स नमाज पढ़ते हैं लेकिन जमात से नहीं पढ़ते। फरमाया मेरा जी चाहता है कि अपनी जगह किसी और को खड़ा करूं और जवानों का एक ग्रोह साथ लूं, और जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते उनके घरों को आग लगा दूं। रहमतुल्लिल आलमीन आका फरमा रहे हैं कि उनके घरों को आग लगा दूं। कितना गुस्सा है उन लोगों पर कि जो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते ही नहीं, उस दौर में तो कोई था ही नहीं कि मोमिन हो नमाज ना पढ़ता हो। अल्लाह अकबर। तो मोमिन नमाज ही पढ़ते थे, तो अगर किसी से घर में नमाज पढ़ी गई तो फरमाया मेरा जी चाहता है। आज नमाज तो नमाज रही, हमको तो जुमा भी नसीब नहीं है। कितने लोग हैं कि जो पाबंदी के साथ नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। हुजूर का एक फरमान सुनिए, आका करीम ने इरशाद फरमाया, मन तारकल जुमो आता सलासा जुमा इन मुतवालियात इन फकद नबजल इस्लामा वरा अजहरे, जिसने बगैर किसी उजर के तीन जुमे छोड़ दिए उसने इस्लाम को अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया, उसने परवाह ही नहीं किया इस्लाम की। और एक हदीस के लफ्ज हैं, मन तारा का सलासु जुमुआतिन मिन गैर उजरिन कुतिबा मिन अल मुनाफिकीन, जिसने बगैर किसी उजर के तीन जुमे छोड़ दिए उसका नाम मुनाफिकों की फरिस्त में लिख दिया जाता। और एक हदीस के लफ्ज इस हवाले से हैं, मन तारा का सलासा जुमा इन तहावुनन बिहा तबा अल्लाहु अला कल्बिही, जिसने सुस्ती की वजह से तीन जुमे छोड़ दिए तो उसके दिल पर अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है। ये वो बदनसीब शख्स है कि जो नमाज़े जुमा छोड़ता है। हजरत इब्ने हजर ने अज़वाजर के अंदर एक रिवायत लिखी है, वो फरमाते हैं जो शख्स नमाज तर्क करता है उसको बहुत सारी रसवाइयां हैं। वक्त इतना तवील नहीं है कि एक एक चीज को तफसील से बयान करूं। वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि उसकी उम्र में बरकत उठा ली जाती, दूसरी बात
اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے. تیسری بات, وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا, اس کا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں, اللہ پوری امت پر کرم کر دے, تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا, اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں, ایک تو بھوکا مرتا ہے, دوسرا پیاسا مرتا ہے, تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی, حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر. دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی, جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے. اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع, اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا. اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی, ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا, اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا, حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا. اللہ اکبر, ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا, دوسرا اللہ تعالی جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا, اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساتھی آؤ, میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے, جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ, یہ دوستی کا حق ہے. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں, کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے, مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی؟ مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. اصل مستقبل تو وہ ہے, اللہ اکبر, بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے, خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے, اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا, اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے, ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں, دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر, کوشش کریں, محنت کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واعظ و تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں, اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے. کوئی عرس کی تقریب ہو, کوئی محفل نعت ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی شادی کی تقریب ہو, نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں. بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے
और अजीब सी बात है, मैं बड़ा हैरान हुआ करता हूं कि इशा के बाद जब जलसे होते हैं ना हमारे मसाजिद के अंदर, तो मगरब से ऐलान शुरू हो जाता है आज रात फलां साहब खिताब फरमाएंगे, और फिर जब नमाज इशा होती है तो हमारा नकीबे महफल खोलता है लाउड स्पीकर और वो ऐलान करता है हजरात जमात हो चुकी है, अब मस्जिद में आ जाए। यानी ये नमाज को हल्का करने वाली बात है। उनको कहा जा रहा है कि बल्कि बात तो कह देते हैं जिसका तुम्हें डर था वो गुजर गई है, अब आ जाओ, क्या लेना है जलसे में आकर अगर नमाज ही नहीं पढ़नी है तो। मिंबरों मेहराब के जो जुम्मेदार हैं उनसे जो है वो अजीबो करीब किस्म की जो है वो हरकात सकानात सरजद हो रही है। ये जो जहल नकीबों का एक गौल आ गया ना, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक तो बेतहाशा अलकाब, दूसरा दीन की रूह से नाशनाई। वो किसी ने कहा था ना कि पहले हजरत गौस पाक वली बनाते थे, चोर से कुतब बनाते थे, आजकल हम बनाते हैं। कहा तुम कैसे? कहा हमें पता होता ये चोर बैठा हुआ है, हम कहते हैं गौसे जमा और कुतबे दौरान। बेतहाशा और बेतुका अंदाज, और फिर दीन की रूह से ये नाशनाई कि बाकायदा ऐलान होता जनाब जमात हो चुकी अब तो आ जाओ, तो क्या करना है सारी रात जाग के अगर इशा की नमाज ही नहीं पढ़ी तो। नमाज को हल्का किया गया है। इसी तरह जलसा लंबा हो रहा है और नमाज का वक्त सुकड़ रहा है, इन चीजों का इल्तजाम करना है, हमने कोशिश करनी है। और यह भी एक मुसीबत है कि दरबार बड़ा ऊंचा है और मस्जिद के अंदर जानवरों की बींटें पड़ी हुई हैं। हैसियत तो मस्जिद की है, दरबार की तो सामने हैसियत है। दरबार पर 3 करोड़ रुपया लगा हुआ है और मस्जिद में चटाइयां भी मौजूद नहीं है। अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, कि जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जा। हमने इन चीजों को देखना है। अच्छा, बाज वालदेन की एक सुस्ती है, वो आते जनाब तवीज कर दो, हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, और कहते जी हमारी तो चलो गुजर गई, हम तो नहीं पढ़ते, ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते? अल वलदु सिर्रुन ले अभी है, बेटा बाप का राज होता है। तुम मुझसे तावीज लेने आ गए हो, घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे तत्बों में सजदा करने की आदत डालेगी। हुजूर फरमाए बच्चे 7 साल के हों तो उन्हें मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के नहीं पढ़ते तो उनको मार के पढ़ाओ। अब औलाद होगी जवान, खुद कभी सजदा किया नहीं, अब कहते हैं शायद तावीज से कम चल जाएगा, जो तावीज अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हों तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाएं तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्लमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम, एक अपने नबी का प्यार सिखाओ। वह हुब्बा अहले बैत ही, रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ। वह तिलावत अल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से जो है वो नावल, और उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुश नसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी, आज पॉप म्यूजिक की सदाएं तो आती हैं, आज कुरान की आवाजें नहीं आती। तो ये अजीब है जी, हम नहीं पढ़ते ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे ऊपर क्या अब फर्ज साकत हो चुका है बुढ़ापे की वजह से? तुम बूढ़े होके नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी औलाद तुम चाहते हो जवानी में पढ़ ले? तुम खुद अल्लाह के हुजूर सजदा करो, और फिर देखना तुम्हारे ततब्बो में, तुम्हारी तिबा में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे पीछे पीछे होगी। अल्लाह अकबर। साहिब इस उनवान से कहने के लिए बहुत कुछ है, अल्लाह ताला जल्ला शानु अपनी रहमतें अता फरमाए। आला हजरत से 2 लोगों ने फतवा पूछा। बरेली का एक मोहल्ला है, मोहल्ला जखीरा, उसमें हादी असन और कुर्ब मोहम्मद नामी लोगों ने तंजीम बनाई नमाज की दावत के लिए। कुछ लोग उनकी बात को न सुनते, आला हजरत से इस्तिफ्ता किया, फतावा रसविया के अंदर मौजूद है, कि हम नमाज की दावत देते हैं कुछ लोग इसके बावजूद नहीं आते, तो हुक्म शरी क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि पहले तो नरमी से उन्हें समझाएं, आओ नमाज की तरफ, नहीं मानते मुअस्सर लोग डालें जो उनको कहें। ये थे हमारे करने वाले काम, हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं? मुअस्सर मुआशरे के लोग तलाश करें और उनको समझाएं जिनकी वो मानते हैं, टालते नहीं।
उनसे समझाएं उनको। और फरमाते हैं अगर उनके समझाने से भी नहीं समझते तो फरमाया फतवा फिर यह है उनसे बाइकाट कर दें, उनसे तरके कलाम कर दें, उनसे गुफ्तगू छोड़ दें। हमने तो कभी बेटों से नहीं छोड़ी गुफ्तगू। बीवी बेनमाज हो, हम हर शह बीवी से मनवा लेते हैं। कभी कहा तेरे हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी बेटा कहे अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ती मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा? जो मां बेटे के लिए सब कुछ करती है, कितने दुख झेलती है, किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े वो भी मांजती है, क्या बेटे की ख्वाहिश पे नमाज नहीं शुरू कर देगी? जब आदत डालेगी तो फिर अल्लाह दिल में भी वो मोहब्बत डाल देगा। क्योंकि हमारा तो इतना ही काम है ना, हजरत बायजीद बुस्तामी ने यही किया था ना। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहे हैं, किसी मोहल्ले के कोने में आकर एक फाहिशा औरत बैठ के लोगों का दीन ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तू अश्कों से सैराब किया था और सजदा हाय सहरगाही से जिस शहर को नूर बख्शा था तेरा शहर लुट रहा है। कहा क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहानी सुनाई। बायजीद बुस्तामी सुबह मुसल्ला उठाया और जाकर उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर मुसल्ला बिछा लिया। अब जो भी ग्राहक आता बायजीद बुस्तामी को बैठा हुआ देख के रास्ता बदल लेता। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई ग्राहक ही नहीं आया। उसने खिड़की से झांक करके देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतर करके कहा बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है, तुझे मेरे घर की गली ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा क्या मसला है तुझे? कहा मेरे ग्राहक रुके हुए हैं। कहा आज मैं तेरा ग्राहक हूं, बता तेरी रात की कीमत कितनी है? अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत तय की। उसके घर की जब छत चढ़ने लगे ना सीढ़ियां, लोग देख रहे थे। कहा मालिक अगर बायजीद भी उजड़ गया तो रोशनी कहां से लेंगे? बायजीद भी एक फाहिशा औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर ये भी चराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उससे कहा मुसल्ला बिछा ले, जो मैं करता जाऊं वो करते जाना। पहले वुजू किया, उसने भी किया, फिर मुसल्ले पे आए, वो भी पीछे खड़ी हो गई। फिर बायजीद कयाम किया, उसने भी कयाम किया। फिर रकू में गए, वो भी रकू, कौमा वो भी कौमा। जब सजदे में हजरत बायजीद गए, वो भी सजदे में, तो बायजीद रो पड़े। कहा मालिक बायजीद का इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट तक झुका दे, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब वो सजदे में जा रही थी तो फाशा थी, जब सर उठाया वक्त की बलिया बन चुके थे। एक बुजुर्ग क्या कहते हैं, मैं बाजार के किनारे जा रहा था, एक शराबी गिरा हुआ था और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा था। मेरे दिल में रहम आया, एक इंसान है और यूं रुसवा हो रहा है। मैंने गंदी नाली से उसको उठाया और उठा करके जो है वो उसका मुंह धोया और चला गया। मशहूर शराबी था शहर का। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ, तहज्जुद के लम्हे आए तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। देखा क्या कि वो शराबी मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ। मैं हैरान हो गया कि ये क्या मजरा हुआ, अभी अब सुबह तो मैंने इसको गंदगी से उठाया है और उसका मुंह धोया है। मैं हैरान हुआ तो हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। साहबो हम अपना काम करें, कोशिश करें, खींच के ले आए किसी को मस्जिद में और फिर देखना रब के रंग, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। आइए आज की इस मजलिस में हम ये अज़्म लेकर के जाएं अपने लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस बड़े मजमे में कोई ऐसा शख्स अब रहेगा जो नमाज छोड़ सकेगा, इंशाल्लाह नहीं छोड़ सकेगा अल्लाह की तौफीक से। ये आपकी आंखों में तैरते हुए आंसू गवाही दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह की निगाह भी हो रही है और अल्लाह का करम भी उतर रहा है। मेरा नहीं ख्याल के यहां से उठकर कोई शख्स जो है जाके नमाज छोड़े, लेकिन अब हमने आगे काम करना है, अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों के अंदर लोगों को खींच करके मस्जिद का रुख दिखाना है। अल्लाह मुझको आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का नूर नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।